नमस्कार, मैं राशिद अली और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अखबारों की सुर्खियों में आपका स्वागत है। और जिनसे हम आपको कराएंगे इस प्रोग्राम में देश की बड़ी बड़ी खबरों से रूबरू, तो चलती हैं, रुक करते हैं सबसे पहले जनसत्ता अखबार की ओर, जिसने प्रमुखता से खबर छापी है। महबूबा ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों से किया भेदभाव, अमित शाह का ही कहना है वहां के हालात क्या चल रहे हैं आपको पता ही है। सरकार बीजेपी और पीडीपी की गिर गई है क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया है और अभी वहां पर राज्यपाल शासन लगा हुआ है। और ऐसे में अब ये आवाज सबसे ऊपर है कि अब सरकार किसकी बनेगी और वहां के हालात, और सवाल सबसे बड़ा कि वहां के हालात कब सुधरेंगे, कब वहां के लोगों को शांति से रहना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने कि चार दिन बाद पहली बार राज्य के दौरे पर आए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर जम्मू व लद्दाख क्षेत्रों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों ने राज्य की जनता की कीमत पर अपनी तिजोरी भरी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऐतिहासिक बलिदान दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में हुई रैली में शाह ने कहा कि हम कश्मीर की कभी भी भारत से अलग, कश्मीर को कभी भारत से अलग नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, वाकई अलग है, और जम्मू कश्मीर हमारे देश की शान है जो कभी अलग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर को इस देश के साथ मिलाने के लिए मुखर्जी ने प्रजा परिषद आंदोलन के साथ अपना पूरा जीवन दे दिया। तो वहीं अध्यक्ष ने आतंकवादियों के समान विचार रखने के लिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और सैफुद्दीन सोन की आलोचना की। उन्होंने कहा, श्रीमान सोज आप सैकड़ों जम लेंगे लेकिन भाजपा कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने देगी। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि आखिर में वहाँ क्या है। राहुल बताएं कि गुलाम नबी आज़ाद और लश्कर के विचारों में इतनी असमानता कैसे है। जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवारों की तीन पीढ़ियों ने कांग्रेस के साथ कश्मीर पर राज किया लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने भ्रष्ट तरीके से अपनी जेबें भरी और आज इनकी व्यक्तिगत संपदा पूरे राज्य के बराबर है। तो वहीं हमने बार बार राज्य के नियोजित विकास के लिए दबाव बनाया लेकिन हमारा सपना पूरा नहीं हुआ, शांति बहाल नहीं हो पाई। और एक समय ऐसा आया जब सेना के जवान औरंगजेब और संपादक सुजात बुखारी की आतंकियों ने बर्बरता से हत्या कर दी। तो वहीं एक तरफ कुछ दबाव समूह सक्रिय थे जिन्होंने राज्य सरकार को ठीक से काम नहीं करने दिया, तो दूसरी तरफ विकास के मामले में जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में भेदभाव जारी रहा। राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए बनी परियोजनाओं पर अमल नहीं किया। तो वहीं मैं आपको दिखाऊं, लाल सिंह ने पत्रकारों को धमकी, हद में रहो वरना हो सकता है सुजात बुखारी जैसा हाल। जी हाँ, आप देख सकते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री लाल सिंह ने कश्मीरी पत्रकारों पर गलत माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकी दी है कि वे हद में रहें वरना जाने माने पत्रकार और राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक सुजात बुखारी जैसा हश्र का सामना करें। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि लाल सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री लाल सिंह ने ये इस तरह से धमकी दी है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब खबर है राजधानी दिल्ली से, जिसकी रुख करते हैं नवभारत टाइम्स अखबार की ओर। यहाँ पर देखिए क्राइम आजकल कितना बढ़ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। पहले सांवली होने पर लोग ताना मारते थे तो दावत में खाने में मिला दिया कीटनाशक, इससे 5 लोग मर गए हैं। जी हाँ, अब मैं खबर पढ़ाना चाहूँगा, सांवले रंग होने पर, अच्छा खाना ना पकाने पर लोगों के ताने, एक महिला के दिल में इतने चुभे कि उसने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ हो रही दावत के खाने में जहर मिला दिया। इस खाने को खाकर 5 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज़्यादा बीमार पड़ गए। मरने वालों में 4 बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 7 से 13 साल के बीच है। मृतकों में 2 लोग उस महिला के रिश्तेदार थे। बीमार लोगों में से 7 वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ का है। पुलिस ने ज्योति उर्फ प्रज्ञा सुरेश सुवासे नाम की 26 वर्षीय आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। तो महिला का ये साफ कहना कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तभी से उसके ससुराल वाले और रिश्तेदार अक्सर उसके सांवले रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। अगर किसी के साथ ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए जो दिल पर उतर जाए, लेकिन
किसी को इतना भयानक रूप भी नहीं लेना चाहिए कि मजाक का बदला वो इस तरह से ले कि लोग अपनी ज़िंदगी खो बैठे, जाहिर सी बात है। और वह अच्छा खाना ना बनाने को लेकर ताना मारा करते थे, इससे वह आजीज हो गई। और बताया जाता है कि वह अपने पति, सास, दो ननद से बदला लेना चाहती थी। 18 जून को महाड़ गांव में उसके रिश्तेदार सुभाष माने के यहाँ गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और तभी महिला ने ये काम करने की ठानी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 120 से ज़्यादा बीमार पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इतना तो वहीं मैं आपको अगर और क्राइम की खबर बताऊं कि दिल्ली कैंट में मेट्रो स्टेशन के पास महिला की हत्या, और ये महिला एक अफसर की बीवी है। मैं आपको दिखा देता हूं, दिल्ली कैंट इलाके में बरार स्क्वायर के पास अज्ञात हमलावरों ने आर्मी में तैनात मेजर की पत्नी की दिन दहाड़ी बेरहमी से हत्या कर दी है। मेजर की पत्नी और दिल्ली कैंट इलाके की ये घटना है, देख सकते हैं। पुलिस ने उसकी लाश पुलिस कैंट मेट्रो स्टेशन के पास मिली है। पुलिस ने बताया कि महिला के कपड़े जिस तरह से फटे मिले हैं, उससे लगता है कि हत्या करने से पहले महिला के साथ जबरदस्ती की है। पुलिस इस बारे में मृतक महिला के पति मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ कर रही है। प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या समेत सभी एंगल को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं नाम और उसकी उम्र क्या है, तो मामला ये जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नारायण इलाके का है। मृतक महिला की पहचान शैलजा द्विवेदी जो कि 30 की उनकी उम्र है, और DCP वेस्ट विजय सिंह ने इस मामले में बताया है कि 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मेट्रो प्लेयर नंबर 11 के सामने युवती हादसे का शिकार हो गई है। मौके पर पुलिस को खून से लथपथ युवती मिली और उसकी सांसें नहीं चल रही थी। यानी कि अब मामला जो अटक रहा है कि लूटपाट का हो सकता है, प्रेम प्रसंग का हो सकता है। पुलिस कई मामलों से जो कि कई एंगलों से जांच कर रही है। अब खबर करते हैं दैनिक भास्कर की ओर, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर 27 जून को होगा पहला जत्था रवाना। 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं पंजीयन। अमरनाथ यात्रा में बड़ी खबर जो कि मैं आपको बता दूं, पहली बार AC कैंप NSG कमांडो महिला बटालियन, पहली बार जम्मू कश्मीर के मशहूर मंदिरों पर भी ले जाया जाएगा। ये यात्रियों के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी की बात है, जहां उन्हें पहले दर्शन करने को नहीं मिलते थे, अब उन्हें वहां भी दर्शन करने को मिलेंगे। पहली बार NSG कमांडो भी रहेंगे मौजूद, ड्रोन से होगी निगरानी। जी हां, अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आने वाली 27 जून को पहला जो कि जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में रवाना होगा यहां पर। इसके बाद 28 जून को कश्मीर के दोनों कैंप पहलगाम तथा बालटाल से भक्तों को भेजा जाएगा। पहली बार आधार कैंप जम्मू में भक्तों के लिए AC हॉल बनवाए गए हैं, जबकि कश्मीर रूट पर पीने के लिए RO वाटर का इंतजाम किया गया है। बाबा के दर्शन के लिए अब देश भर के अलग अलग बैंकों की 440 ब्रांचों से करीब 2 लाख से ज़्यादा अधिक भक्त पंजीकरण करवा चुके हैं। जी हाँ, तो वहीं अगर आपको इसकी मुख्य बातें मैं बताऊँ, AC हॉल में एक बार में 1300 लोग रुक सकेंगे। पहली बार पर्यटक जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में AC हॉल में रहेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव भगवती नगर आधार शिविर है। पर्यटन विभाग की निदेशक स्मिता सिटी ने बताया कि यहाँ 13 हॉल हैं, यहाँ 1300 लोगों के रहने का इंतजाम किया है। तो वहीं पीने के लिए RO का पानी मुफ्त मिलेगा, जो कि यात्रा के दौरान मार्गों पर हर 2 किलोमीटर पर शुद्ध पानी उपलब्ध रहेगा। अमरनाथ यात्रा के बोर्ड की ओर से इस बार श्रद्धालुओं को RO का पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ठेका निजी कंपनी को दिया गया है, जो 200 से अधिक RO लगाए जाएंगे। तो वहीं श्रीनगर के सेंट्रल स्टोर में 70 RO लगाए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं गाड़ियों में डिवाइस और आसमान में ड्रोन, अगर उनकी सुरक्षा को लेकर बात करी जाए, तो गाड़ियों में पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस लगेंगे और लोकेशन का पता चल सकेगा। मुसीबत में फंसते ही पुलिस आर्मी पहुंच जाएगी, इसकी निगरानी ड्रोन से भी की जाएगी। तो वहीं CRF की एक महिला कंपनी की होगी तैनाती। यात्रा के मुख्य आधार शिविर भगवती नगर में CRF की एक महिला कंपनी भी तैनात होगी। जी हाँ, और अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार की ओर से, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा बड़ी खबर, जो कि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। उच्चायुक्त से बदसलूकी का ये मामला है और पाक को कड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, आप देखा जाए पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारी और अन्य अधिकारियों को गुरुद्वारा पंजा साहिब में जाने से रोकने पर भारत ने शनिवार को विरोध जताया है।
विदेश मंत्रालय ने इस वियना समझौते और 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए पाकिस्तान के उपच्चायुक्त को तलब किया है। तो वहीं मैं आपको एक और बात खबर दिखा दूं, मानसून सक्रिय, दिल्ली में 27 से बारिश के आसार। जी हाँ, तकरीबन 12 दिनों तक कमजोर रहने के बाद अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 48 घंटों के भीतर झारखंड एवं बिहार में मानसून के पहुंचने की भविष्यवाणी भी की है। तो वहीं बात करें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा में 27 जून से झमाझम मानसून पूर्व बारिश होने का अनुमान लगाया है। और अब देखना यह है कि आखिर में कि अब बारिश कब होती है और मौसम से कब राहत मिलती है। तो ये थी हमारी आज की मुख्य कवरेज जिनसे हमने आपको कराया रूबरू। तो कल फिर आपके सामने होंगे इसी तरह तमाम देश की बड़ी खबरों के साथ। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।